अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया था जब हम लोग गए थे पाकिस्तान। तो ये था मेरा आज का आउटफिट। सामान जो होता है नाना करते भी हो जाता है। खाली पूरी फैमिली नहीं गई जी, सबका नाना भी दो दो ही दो दो बैग सबके हो जाते हैं नाना करते हैं। माशाल्लाह कितने बैग हो जाते हैं जी। हमारे साढ़े भी देते कि बस दो चार छह बैग है हमारे जी। तो जी माशाल्लाह जाने ताड़े ने चार वो तो पूरी बैग नहीं मैं देख रहे हैं। मैं बड़ा आगे नहीं बाढ़ लेना ये सेट कर मम्मा जा रही हैं। आप मुझे मिस करोगी? मम्मा को मिस करोगे? चल ना इसको आज देखें। मान हाय हाय ट्रॉली पकड़ी है हम लोगों ने, चार ट्रॉली पकड़ी थी, अपने अपना लगेज उसके ऊपर डाला है और हम लोग जल्दी से अंदर आ गए हैं। हस्बैंड चले गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए क्योंकि हम लोग वैन में आए हैं सब इकट्ठे। और पार्क करने के बाद हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि काफ़ी अर्ली हम लोग आ गए थे कि जी सामान आराम से जो है ना वो बोर्डिंग हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। जितना ज़्यादा रश होता है उतनी बोर्डिंग करने में मुश्किल होती है और सम टाइम को इमरजेंसी भी हो जाती है, तो टाइम से पहले ही जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अभी काउंटर पे वेट करेंगे, काउंटर कौन सा खुलेगा PIA का उसका वेट करने के लिए हम लोग खड़े हैं। जी बेटा, काउंटर पे आपका टिकट पासपोर्ट लगेज आपका चेक हो रहा होता है और उसके साथ साथ क्या है कि जी अब इन्होंने क्या किया था कि कोविड की वैक्सीनेशन की का प्रूफ चाहिए था। सो अगर वो आपके पास ईमेल में है आपके या आपके पास कोई पेपर स्लिप के तौर पर है तो आप यहाँ पर काउंटर पे उसको निकाल के रखें क्योंकि इस टाइम पे इतनी जल्दी होती है और जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, सो रेडी होना चाहिए उसको। अच्छा, मैं डर डरते रहे हैं। चल है कोई नहीं। ये जो कराया ना वही ना मतलब कहा था ना ये कम होता है। हाँ जी आपने सही कहा। तो जी यहाँ पर सामान का वेट हो रहा है। सबसे मुश्किल काम हम पाकिस्तानी इंडियंस के लिए ये होता है कि सामान हमारा जो है ना वेट ठीक हो।
तो जब घर में हम लोग वेट कर रहे थे तो अभी ने कहा है कि सामा वेट आपका ना कम है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कम ही लेके जाना है, ज़्यादा नहीं मैं लेके जाना चाहती, क्योंकि अगर 28 से ज़्यादा उनकी मशीन पे एयरपोर्ट पे मशीन में अक्सर क्या होता है कि वेट ज़्यादा कम आ जाता है, तो अगर ज़्यादा आ गया तो वहाँ पर फिर मैं बैग नहीं खोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि 1 किलो मैं कम रखूँगी, 27 kg तक मेरा वेट चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 25 और 26 kg के ही सारे मेरे जो बैग थे। है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बोर्डिंग पास मिल गए हम लोगों को, बैग हमारे चले गए हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। और मैंने जो था ना, एक चीज़ फिर भी जितना भी आप कर लो ना कि सीधे साड़ी पूरी रखी है कि नहीं, एक चीज़ फिर भी मिस हो गई थी, ट्रैवल जो पिलो होता वो मैं लाना भूल गई हूँ। और बस हम लोगों ने अभी यहाँ शॉप पे के बाहर ही वेट किया है, क्योंकि आदमी जो था ना शॉपकीपर नहीं था, 10-15 मिनट के वेट करने के बाद आ गया था। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने जो है ना ट्रैवल पिलो लिया, क्योंकि उसके बगैर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। आपको तो पता ही है कि इतना लंबा ट्रैवल जो है पाकिस्तान का, कैनेडा से पाकिस्तान इंडिया का ट्रैवल कितना लंबा है। है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल कहीं का भी हो, हैरियत से हो जाए तो आपको ना मतलब कि सुकून होता है, और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तो उसकी खुशी डिफरेंट होती है। आज का दिन बहुत खुशी का भी था कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूज़ भी थी अपने बच्चों अपनी फैमिली से दूर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा उदास भी थी। खैर बस यहाँ पर हम लोगों ने सबको कर दिया गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ कर दिया था, क्योंकि बस अब हम लोग अपना जो है ना लॉन्च में आ गए थे। VIP लॉन्च हस्बैंड ने बुक करवाया हुआ था, उन्होंने हमारे लिए कहा था कि आप जब तक यहाँ पे आपका फ्री टाइम होगा तो आप लोग यहाँ पर आराम करना। तो जनाब जी, जब VIP लॉन्च पहुंची है ना, तो मेरा था कि हम आराम से सोफ़ा पे बैठेंगे जब तक हमारा टाइम नहीं होगा, अनाउंसमेंट नहीं होगी, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन इतना बिजी था, सारे जो है ना सोफ़ा और जो रिलैक्सिंग चेयर थी ना वो सब बिजी थी, सब फुल थी। और फिर है ना हमें यहाँ पर काउंटर पे हम लोग बैठ गए थे, थोड़ा सा ही हमने सोचा था टाइम स्पेंड कर लेंगे, बाकी हम लोग एयरपोर्ट पर थोड़ा फिर लेंगे। यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने फूड में जो चीज़ें थी वो वेजेस हलाल थे, नगेट्स और कुकीज़ और सैलड इस तरह चीज़ें हलाल थी, वैरायटी बहुत थी, लेकिन हलाल जो है ना वो चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर भी ये चीज़ें भी जो थी सब जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो सब चीज़ों का पूछ रहे थे कि जी ये हर चीज़ का पूछ लेते थे कि हलाल है कि नहीं। तो है वहाँ पर शेफ़ को पता ही होता है कि मैंने इनको प्रूफ देना है कि जी ये हलाल चीज़ें। तो यहाँ पर वेजेस और सैलड जूसेस और कुकीज़ और जो नगेट्स थे ये हलाल थे। हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया था सुबह, दिल भी नहीं चाह रहा जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना लॉन्च में ही जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ से फूड तो हम लोगों ने डाल ली थी, मुझसे सिर्फ कॉर्न सैलड खाया गया था, और इसके अलावा मैंने जो है ना ऑरेंज जूस जो था ना वो ले लिया था। आशा ने भी फूड डाली थी लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। आई डोंट नो सुबह का टाइम था या एक अपनी फैमिली से दूर जाने का एक जो कन्फ्यूजन सी होती है वो थी। हेयर फूड यहाँ पे काफ़ी थी, स्वीट भी थी और सॉल्टी प्रॉपर फूड उन्होंने यहाँ पे सप्लाई की हुई थी, लेकिन आपको पता ही है कि जब तक हलाल ना हो तो हम लोग इस चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। हेयर मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए बनाया था यहाँ पर के दिखाने के लिए कि कितना मतलब कि अच्छे से इन्होंने सेटअप किया हुआ था। यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे हैं, फ़ोन मैंने चार्जर पे लगा लिया था, थोड़ी पाकिस्तान बात करती रही, वहाँ पे भी अपडेट देनी थी कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं और कितनी देर में हम लोग फ्लाई करेंगे। हस्बैंड को भी मैंने कहा कि बच्चों को आप नाश्ता करवा दें, वो बच्चों को एयरपोर्ट से निकल कर ही फ़ौरन ही जो है ना टीम होटल ले गए थे, वहाँ से उन्होंने उनको बच्चों को नाश्ता करवाया। साथ साथ हम लोग फ़ोन पर भी कीप इन टच रहे कि जी फ़ोन पर मैं बताती रही कि अब हम कितने टाइम के बाद निकलेंगे। चलो जी चलो, कहाँ जाना है डी? नहीं देख, हाँ डी पे ही देखिए। आई थी तुम
नहीं कोई बात नहीं, आज राम राम से आए, हमारे लिए थे बस। ये 48D है या और ई है या दिस वन। जो फ्लाइट भी बोर्डिंग के लिए रेडी होती है तो अनाउंसमेंट होती रहती है, और लॉन्च में भी क्या होता है कि आवाज़ आती है, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए थे वहाँ पे मैंने पाकिस्तान फ़ोन मिलाया हुआ था, सो अनाउंसमेंट हो रही थी लेकिन लॉन्च में अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया। हम लोग अपने टाइम के मुताबिक निकल आए हैं कि जी अब बस बोर्डिंग होने वाली होगी। सो हम लोग जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए हैं तो कोई PIA की ऑफिसर थी, वो हम तीनों को ढूंढ रही थी, मुझे, आयशा और मेरे ब्रदर इन-लॉ को, के जी लास्ट 3 जो पैसेंजर हैं जिन्होंने जहाज़ में जाना है वो बस मिसिंग थे, मतलब कि हम लोगों ने आज जो अपनी फ्लाइट ना मिस कर देनी थी। और हम तीनों का नाम अनाउंस हो रहा था बार बार के जी ये 3 पैसेंजर अभी तक जहाज़ में नहीं पहुँचे हैं। जैसे ही हम लोगों को उन्होंने जहाज़ पे बिठाया है और बस 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर ही जो है ना जहाज़ जो है ना वो फ्लाई कर गया था। सो आज जो था कि हमारी वजह से जो है ना अभी फ़्लाइट रुकी हुई थी। आई डोंट नो कि कैसे हो गया कि टाइम पे फ्लाइट जो है ना फ्लाई कर गई है। यहाँ पे मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगी, ट्रैवल बहुत अच्छा गुजरा था, आगे आपके साथ कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।